देखो आज अपन चैप्टर सेकंड कर रहे हैं जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए क्या कि मोनोनोमियल क्या होता है, क्या है बाइनोमियल क्या होता है, क्या है ठीक है आपको पता होना चाहिए ट्राइनोमियल क्या होता है ठीक है, और वहीं पर आपको इधर पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है, क्या क्वाड्रेटिक क्या होता है ठीक है, क्यूबिक क्या होता है, बस मेरी ये तो डिसाइडेड करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, किसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर या एक्सपोनेंट जो कहते हो, समझ गए ठीक है। अब मेरी बात समझना, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, इसमें प्लस या माइनस के साइन कितने हैं, तो उससे एक ज्यादा हमेशा उससे, यानी कि इसमें तीन टर्म मानी जाए, कितनी मानेंगे देखो दो प्लस के साइन है ना उसे एक एक्स्ट्रा मान लो तो थ्री टर्म है, कितनी टर्म है ठीक है, जब भी थ्री टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल बोला जाता है, क्या बोलते हैं समझ गए। देखो जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, यहां प्लस माइनस कितने साइन है, कितने हैं, तो इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, तो इसको आप ट्राइनोमियल बोलोगे। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर या फिर एक्स प्लस फाइव लिख दिया, कितने हैं प्लस माइनस के साइन, एक है ना, तो इट मीन्स इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल। मैंने सिंपल मान लो एक फाइव लिख दिया, क्या लिख दिया सिंपल एक, तो इस फाइव में प्लस या माइनस के साइन है क्या, नहीं है, तो उससे एक ज्यादा मान लो जीरो से एक ज्यादा यानी कि वन, इसे क्या कहेंगे मोनोनोमियल। जैसे मैंने टू एक्स लिख दिया, ये क्या है बोलो, समझ गए। एक होता है पावर की अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो याद रख लो, किसमें होनी चाहिए, क्लियर। जैसे कि इसके अंदर पावर कितनी, देखो वेरिएबल होता है जो अल्फाबेट देते हैं ना एबीसीडी के अक्षर, उनको वेरिएबल बोला जाता है, तो ये इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है, कौन है एक्स, तो यहां इस एक्स की पावर कितनी है टू है, इसकी कितनी है वन है ना, तो यानी कि ज्यादा ज्यादा पावर कितनी है, जब दो पावर उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या बोलते हैं समझ गए। जहां पर ये देखो इसमें पावर कितनी है, कितनी है पावर वन है ना, तो इट मीन्स इसको क्या बोलूं, वन पावर वाले को लीनियर इक्वेशन, क्या बोलूंगा जैसे मान लो मैंने ये ले दिया एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री है ना, तो इसकी पावर बताओ कितनी है, हाईएस्ट पावर बतानी है कितनी है, हाईएस्ट पावर थ्री है, इट मीन्स क्यूबिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक। अगर नंबर ऑफ टर्म काउंट करूं तो देखो प्लस माइनस के साइन कितने हैं, तो कितनी टर्म होंगी, तो इसको बाय क्वाड्रेटिक में इसके अंदर लेके आएंगे, टेट्रा बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं टेट्रा पॉलीनोमियल ठीक है। तो इस तरीके से दोनों बात समझ में आ गई, क्या भी पावर के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया जाता है और डिग्री के अकॉर्डिंग इनको, डिग्री भी बोलते हैं इनको, पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ठीक है, जबकि नंबर ऑफ टर्म के मुताबिक इनको बोला जाता है, काउंट भी कर ले तो नंबर ऑफ टर्म, वेरिएबल जैसे मान लो ये कह दिया मैंने टू पी एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू, तो इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, अल्फाबेट कितने हैं एबीसीडी के, पी एक्स और वाई तीन है ना, तो यहां पर वेरिएबल थ्री टाइप के हैं, ऐसा कहोगे क्लियर है। एक चीज ये आती है कि मान लो मैंने लिखा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कौन है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन होगा, टू हो जाएगा, कौन हो जाएगा, यानी कि मैं यहां पर कहूं कि कोफिशियंट ऑफ एक्स बताओ, तो एक्स के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, तो यहां पर कोफिशियंट इसका फाइव हो जाएगा क्लियर। मैं कहूं कि कॉन्स्टेंट नंबर बताओ, तो कॉन्स्टेंट नंबर कौन होगा, जो अकेला होता है, ये थ्री। ये बातें समझ आ रही क्या, सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे से, या कोई डाउट है बोलो, नहीं है। इसके अलावा याद रखना कि हमेशा होल नंबर में वेरिएबल होना चाहिए, किसमें, जैसे मैं आपकी एक्सरसाइज लेता हूँ वहां से कुछ डाउट क्लियर करता हूँ ठीक है, देखना भी कर दो जिनको नहीं चल रहा ना, देखो मैं एक्सरसाइज ले रहा हूँ वहां से क्वेश्चन उठा रहा हूँ ठीक है, आप मेरे को बताते रहना। पहला क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, ऐसा कौन सा है जो वन वेरिएबल है और ऐसा कौन सा जो नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन, कितने टाइप की वेरिएबल है इसमें,
यानी कि वन वेरिएबल है, कौन सा है, समझ में आ रहा है। सेकंड में कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, कितने टाइप के वेरिएबल हैं, भी कितने अल्फाबेट हैं, एक ही है ना, तो वन वेरिएबल ही ये रहेगा, क्लियर। कौन है वो, थर्ड में देखो थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू, इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं मानेंगे, नॉट वेरिएबल, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि जो अल्फाबेट होता है ना वो होल नंबर में होना चाहिए हमेशा, किसमें, लेकिन ये जो टी है ना इसको अपन लिखेंगे टी की पावर वन बाय टू, लिख सकते हैं ना रूट वाले को, तो इट मीन्स यहाँ पर ये भले ही हो नंबर लेकिन ये हमारा होल नंबर नहीं बना। होल नंबर कौन होता है, जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री, ये सब होते हैं, लेकिन ये वेरिएबल नहीं माना जाता, समझ गए ना, बोलो। अगला कह रहा है कि वाई प्लस टू अपॉन में वाई, इसके कितने वेरिएबल है बताओ, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, क्या ये एक ही चीज होल नंबर वाली बात है, रखते हो ना, तो रूट के अंदर कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसमें बताओ कितने वेरिएबल है, एक, नहीं इसमें कोई वेरिएबल नहीं, क्योंकि इसे लिख सकते हैं वाई प्लस टू, इस वाई को ऊपर भेज दूं तो वाई की पावर क्या बन जाएगी, माइनस वन बन जाएगी ना। अब ये होल नंबर है या फिर नहीं है, ये होल नंबर है क्या, होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, नहीं है ना, तो अपन यहां पर भी कहेंगे नॉट वेरिएबल, क्या नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं एक तरीके से, क्योंकि पॉलीनोमियल इक्वेशन नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये रूट में नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर होने से गड़बड़ होगी ना, हाँ। फिर उसके बाद कह रहा है अगला, एक्स की पावर टेन प्लस वाई की पावर थ्री प्लस टी की पावर फिफ्टी, कितने वेरिएबल है, देखो सभी की पावर होल नंबर में है क्या, पहले ये चेक करो, है ना, कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, कितने हैं, कौन कौन है, एक्स, वाई और टी, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ दिस, जैसे पहला क्वेश्चन है हमें बताना है टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, इसके आगे वन मान सकता हूं, तो कौन होगा, वन होगा। फिर अगले में कह रहा है कि टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है बोलो, इस एक्स स्क्वायर का कौन है, माइनस वन बोला जाएगा साइन के साथ, ठीक है। फिर अगले में कह रहा है कि पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर आगे कौन है, पाई बाय टू, क्लियर। उसके बाद में अगले में कह रहा है रूट टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है क्या, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप यहाँ पे जीरो बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री जिसकी 35 डिग्री, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो, बाइनोमियल भी होनी चाहिए, बाइनोमियल मतलब क्या बताया था मैंने, जिसमें दो टर्म हो, है ना, तो पहले दो टर्म का क्वेश्चन लिख दो, x प्लस फाइव ये बाइनोमियल है या नहीं है, और डिग्री कितनी दे रही है इसकी, 35, कितनी, 35, इट मीन्स यहां 35 लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। जैसे मान लो कोई भी बोल दिया आपने a माइनस थ्री बोल दिया और इसके ऊपर आप 35 लगा दो, क्या ये आंसर गलत है, नहीं है ना, तो इस तरीके से हमें लिखना है। फिर कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दो, मोनोनोमियल होना चाहिए, कैसा, तो मोनोनोमियल यानी मैंने x लिख दिया लेकिन उसकी डिग्री 100 हो तो इसके ऊपर 100 लगा दो। जैसे मान लो कि मैंने p लिख दिया तो उसके ऊपर क्या लगा दूं, 100. तो ये मोनोमियल भी और डिग्री 100 भी है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ पॉलीनोमियल, जितने भी दिन के डिग्री बतानी है। जैसे पहला क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3. तो यहां पर डिग्री 3 लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद में सेकंड में 4 माइनस वाई स्क्वायर, डिग्री कितनी हाईएस्ट थी, 2, ठीक है, वेरी गुड, 2 है इसकी डिग्री। फिर अगले में कह रहा है कि 5t माइनस रूट 7, डिग्री कितनी मानू, 1 मानूंगा, है ना, तो डिग्री 1 है, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट में कह रहा है कि इसकी बताओ, तो एक कॉन्स्टेंट नंबर है 3, इसकी डिग्री कितनी है, यहां पर आप x की पावर 0 मान सकते हो खुद की तरफ से, किसी की पावर 0 ना मतलब क्या होता है, 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है, तो इट मीन्स डिग्री क्या हुई यहां पर, 0 बोल सकते हो। ये जो ऊपर ये होती है जो पावर लगती है इसको बोला जाता है डिग्री, नहीं आया समझे, ठीक है। उसके बाद में करके क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ये सब बताना है, कुछ एग्जांपल दिए हैं जिनको आपको बताना कि क्वाड लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। अब वो किससे पहचानी जाती है, डिग्री से या टर्म से, डिग्री से, डिग्री से पहचाना जाता है लीनियर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, मैं बताया था थोड़ी देर पहले। नंबर एक, जैसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो इट मीन्स ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक होगी, कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म के मुताबिक बोले तो टर्म कितनी है इसमें,
दो बाइनोमियल, तो इसको अपन बोलेंगे टू टर्म है इसलिए बाइनोमियल है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल कह रहा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, या डिग्री क्या है, डिग्री थ्री है, तो इट मीन्स ये क्यूबिक होगी, क्या होगी, क्यूबिक। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, दो टर्म है, यानी कि टू टर्म के मुताबिक बोले तो बाइनोमियल इसका नाम रखा जाएगा, क्लियर। वैसे हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक क्यूबिक यही बताना, बाइनोमियल वाला नहीं बताना, पर ये थोड़ा क्लियर हो जाए इसलिए ज्यादा लेके चल रहा हूं एग्जांपल। थर्ड में कह रहा है वाई प्लस वाई की पावर टू प्लस फोर, यहाँ पे बोलो कितनी टर्म है, टर्म तीन है, और डिग्री क्या है, डिग्री टू है, मतलब क्या बोलूं, क्वाड्रेटिक, और टर्म के अकॉर्डिंग तीन है, तो इसलिए क्या बोल दूं, ट्राइनोमियल। अगला है वन प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे डिग्री कितनी है, पूछना हो तो क्या माने, वन, अगर बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो तो जीरो मान लेंगे, तो इसको वन है तो क्या बोलो, इसको वन को क्या बोलते हैं, लीनियर, क्या बोलते हैं, और टर्म कितनी है इसमें, दो टर्म को क्या बोलो, बाइनोमियल, ठीक है। फिर अगला कह रहा है फिफ्थ में थ्री टी, क्या बोल रहा है, तो डिग्री क्या है, वन है, तो क्या नाम रखूंगा, लीनियर रख दिया, और टर्म कितनी है, वन टर्म, यानी कि मोनोनोमियल, चलेगा। उसके बाद में है आर स्क्वायर, क्या है, आर स्क्वायर का मतलब डिग्री दो, तो क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टर्म कितनी है, वन, यानी क्या बनी, मोनोनोमियल। उसके बाद में लास्ट है सेवन एक्स क्यूब, है ना, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, बोलो, इसकी दो, नंबर ऑफ टर्म दो का है, प्लस माइनस का साइन है कोई, तो सर इससे इसको मल्टीप्लाई, तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की ये नहीं हो रहा था अभी, क्या वहीं पे ज्यादा हुआ है, नंबर ऑफ प्लस माइनस के साइन कितने वो बताओ ना, एक कहाँ पे है, टर्म एक है, जीरो प्लस माइनस साइन, इसलिए वन टर्म है, वन टर्म है तो क्या बोलूं, मोनोनोमियल, क्या बोलूंगा, मोनोनोमियल। उसके बाद में अगर डिग्री की बात करूं तो डिग्री क्या है यहाँ पर, थ्री है, यानी क्यूबिक। तो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज 2.1 क्लियर कर लिया। अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो मुझे करके दिखाओ, ओके।